नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में मौजूद है और मंडी आज अवकाश के बाद फिर खुली है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले इस महीने में काफ़ी अवकाश रहे हैं, जिसके चलते आवक और भाव में भी प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं बात करें आज, तो आज मंडी में आवक अच्छी देखी जा रही है। मंडी का अंदर भी जितनी आवक है उससे कई ज़्यादा ट्रैक्टर गाड़ियाँ मंडी के बाहर गेट पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ जो लहसुन के बड़े व्यापारी हैं और जिनकी जो भविष्यवाणी रहती है लगभग सटीक बैठती है, और उन्हीं से आज चर्चा करेंगे। नीमच मंडी के लहसुन के बड़े व्यापारी समीप भाई साथ में हैं। समीप भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। आप सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अभी आवक का प्रेशर है, 10,000 बोरी 12,000 बोरी के आसपास माल आया है नीमच मंडी में। और अभी ऊपर में बॉक्स जो है देशी कीटन का माल जो आ रहा है वो 10,000 से लेके है, बॉक्स टाइप मोटा माल 19-20,000 रुपये बिक रहा है। और क्वालिटी का पैसा मिल रहा है, बढ़िया जो पर्दा पॉलिश वाला माल जो आ रहा है वो अच्छा बिक रहा है। और हल्के जो दातले पिटन के माल आते हैं कम पर्दे वाले वो थोड़े कम बिक रहे हैं। बाकी भविष्य ठीक है, अच्छा साल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो कोटा वाला एक आ रहा था छोटा, वो उसका क्या चल रहा है? कोटा की जो मीडियम आ रही है वो 6,000-6,500 रुपये बिक रही है, उसको बोलते हैं लॉटरी। हम 6,650-6,760 रुपये के आसपास। और कोटा में इस बार क्या आवकें अच्छी है, अभी 40,000 बोरी कोटा मंडी में आ रही है, 12 मंडी में आ रही है। राजस्थान प्रॉपर राजस्थान के अंदर 1,00,000-1,25,000 बोरी माल आ रहा है। और उसके प्रेशर से थोड़ा अभी बाजार दबा हुआ है, बाजार वापस बढ़ेगा, पर अभी इस महीने में 10-15 रुपये और घट सकते हैं, 1,000-1,500 रुपये और घट सकते हैं। और बरसात में वापस बाजार सुधर जाएंगे, थोड़ा आवक का प्रेशर कम हो जाएगा, बाजार बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि अभी जो बीच में ये सुना जा रहा था कि बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट होगा, तो अभी क्या एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्या स्थिति बनी, इस वजह से भाव डाउन हो गए? अभी तो यहीं अपने भारत में अच्छी डिमांड है और अच्छा बिक रहा है यहीं, अभी बाहर जाने का योग नहीं बैठ रहा है। और जब यहाँ से बाहर जाने का योग बैठ जाता है तो किसान मतलब नया आविष्कार देखेगा, नए भाव देखेगा इस साल। और मानना है हमारा कि रिकॉर्ड तोड़ेगी लहसुन इस साल नया, और माता जी की भी भविष्यवाणी है, घोटना माता जी की भी, कि इस साल नई मतलब लहसुन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ भाव आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई थी, आपने पहले प्रिडिक्शन करा था कि जो भाव हैं वो 400 पार होंगे, 400 पार भी हो गए हैं, अब आने वाला क्या लग रहा है आपको? भाई साहब, जो 400 रुपये जो बिक रहा है ऊटी का एक नंबर माल बिक रहा है, वो स्पेशल आता है। बाकी जो माल है जो देशी भी 20,000 बिक रहा है, ये 30,000 बिकना है। ये 20 जो भी बॉक्स में बिक रहा है ये 30,000 बिकेगा ही बिकेगा। और ऊटी जो भी 25-26 बिक रहे हैं ये वापस अभी 30 भी हो गए थे, घट भी गए थे, वापस बढ़ गए हैं। और तेजी मंदी चलती है, वो तेजी मंदी जब तक नहीं चलेगी तब तक व्यापार कैसे चलेगा? क्या लग रहा है कि जो आने वाला महीना या जो दिन है वो कैसे लहसुन को लेकर? अभी देखो, अभी मंदी का दौर है, मई महीने में थोड़ी गिराकी कम रहती है, तो 10-15 रुपये 20 रुपये बाजार घट सकता है। अच्छा, अभी आवक जो आ रही है औसत आवक कितनी आ रही होगी नीमच मंडी? अभी 12,000 बोरी के आसपास आवक हैं, अभी 3-4 दिन से शादी के हिसाब से भी थोड़ा आवक कम है। और हाँ, बाहर आवक का प्रेशर है, अभी माल उतना ही लिया जा रहा है जितना माल बिक सकता है अंदर। अभी क्या है कि एक तो ये छोटे छोटे लाट आते हैं ना, तो बोली लगाते हैं, टाइम लगता है, तो उससे माल उठता है, देरी हो जाती है। और मंडी निपट गई तो 2-3 हज़ार बोरी और अंदर लेके निपटा देंगे। अभी परसों भी यही हुआ था कि आवक अंदर लेके निपटाई दी थी, 3-1 हज़ार बोरी और बिक गई थी वापस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मंडी के लहसुन व्यापारी समीप जी। समीप भाई ने बताया कि जो आने वाला भविष्य लहसुन का अच्छा है, लेकिन अभी जो आने वाले कुछ दिन हैं, ख़ास तौर से जो ये महीना है, इसमें हो सकता है कि दामों में और गिरावट देखने को मिले। फिलहाल जो भाव है वो औसत चल रहे हैं। विजित महाडिक, मार्केट टाइम नीमच।